डॉक्टर चौहान, ये अमूमन मुझे लगता है कि गंभीर समस्या है कि अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो काफी तकलीफ हो सकती है, काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए गंभीर है, लेकिन आम तौर पर मैंने देखा कि लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। टेस्ट कराते हैं लोग, आजकल टेस्ट कराने का प्रचलन है, उसमें यूरिक एसिड थोड़ा सा ज्यादा आया तो कई बार उसको नजरअंदाज करते हैं। तो यूरिक एसिड बनता क्यों है इसको थोड़ा समझना है। हमारे जो भोजन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उसको प्यूरिन बोलते हैं, प्यूराइन या प्यूरिन जो भी उसको प्रोनंसिएशन हो, वो हमारे शरीर में जाकर के यूरिक एसिड बनाता है। और यूरिक एसिड एक लिमिट तक ठीक है, एक नॉर्मल रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लिमिट को जब वो पार करता है तो वो मुख्य रूप से हमारी उंगलियों में, हमारे पैरों की उंगलियों में, टखनों में, वहाँ जा कर के वो आमतौर पर जमा होता है। उंगलियों में जो है दर्द होगा, उंगलियों में जलन होगी, वहाँ रेडनेस आएगी, खुजली खारिश कई बार होती है, बहुत तेज दर्द होता है इसमें। और यही नहीं, अगर ये हमारी किडनी में जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो किडनी के द्वारा साफ होते हैं, तो किडनी डैमेज करता है, किडनी में पथरी बना देता है, जोड़ों में कहीं और दूसरे जोड़ों में भी जा करके ये वहाँ पर जब जम जाता है तो वहाँ भी कई प्रकार के वो दर्द पैदा करता है। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो पूरे रक्त में मिलकर के रक्त को दूषित करता है, और जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ विकार पैदा करेगा। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो हमारे भोजन में मौजूद हैं, हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह से इसका इलाज करें वो सारा बताएंगे। ऐसा नहीं कि गोली खानी जरूरी है, कुछ लोग गोली खा रहे हैं 5 साल से, कुछ 10 साल से खाए जा रहे हैं उसको, और उसका दुष्प्रभाव भी हो गया, लीवर में भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ और भी प्रॉब्लम, फिर भी बंद नहीं कर रहे हैं। तो कई बार जो है छोटे छोटे रोग हैं वो हमारे भोजन से संबंधित हैं, तो भोजन में क्या बदलाव करना है ये बताने वाले हैं आपको। अगर आप भी चटकाते हैं अपनी उंगलियां तो भुगतने पड़ सकते हैं आपको गंभीर परिणाम, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं डॉक्टर चौहान जी। यूरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, अमूमन आपने सही कहा कि कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के में लेने लायक बात नहीं है, इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। लेकिन यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम अपनी डाइट में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं? देखिए, जैसा अगर थोड़ा सा सिंपल भाषा में बात करें तो एसिड है, तो एसिड के विपरीत आपने एक शब्द सुना होगा अल्कलाइन, यू नो अल्कली, या उसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो अल्कलाइन डाइट खाइए, सिंपल सी चीज़ है। पानी भी जो है अगर पिए, आजकल तो अल्कलाइन वाटर भी मिल रहा है, आजकल लोगों ने मशीनें घर में लगाई हैं कि पानी को अल्कलाइन, उसकी जो पीए, हर जो भी चीज़ हम लेते हैं उसकी एक पीएच वैल्यू होती है, तो पीएच यदि एसिडिक होगी तो क्योंकि ऑलरेडी एसिड बॉडी में ज़्यादा है तो उसमें नुकसान करेगी, अगर वो अल्कलाइन होगी तो उसके विपरीत है, वो फायदा करेगी। आयुर्वेद में तो हमारा सिंपल सिद्धांत है, लाइक इंक्रीजेस और ऑपोजिट डिक्रीजेस, जो सम भाव वाली सिमिलर चीज़ें वो किसी चीज़ को बढ़ाती हैं, उसके विपरीत वाली उसको घटाती हैं। तो हरी सब्जियाँ खाएँ, ताज़ा फ्रूट्स खाएँ, एप्पल विनेगर भी अच्छा काम करता है। एप्पल विनेगर जो है आधा चम्मच या एक चम्मच ले लीजिए बड़ा, उसको आधा कप पानी में घोल करके सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ओट्स का दलिया आपने सुना होगा, वो लोग खाते हैं। बादाम अखरोट का सेवन आप कर सकते हैं, रात को पानी में भिगोएं। ताज़ा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो भी आते हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। अलोएवेरा, ब्रोकली आप सेवन कर सकते हैं, अलोएवेरा का जो ताज़ा पेड़ आता है उसको, उसका गूदा खा सकते हैं। नारियल पानी आप पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सेवन करके, गाजर चुकंदर का जूस आप ले सकते हैं, अमरूद का अगर फ्रूट आपको मिलता है अमरूद का सेवन आप कर सकते हैं, तो आंवला भी आप सेवन कर सकते हैं, आंवला तो मिलता ही है, पूरा साल आजकल आंवला मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका सेवन करके जो है आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं पेट साफ रहना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, लाइफस्टाइल भी ठीक होना चाहिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से भोजन करिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये आप करने लगेंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी चटकाते हैं अपनी उंगलियां तो भुगतने पड़ सकते हैं आपको इसके गंभीर परिणाम, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद। ध्यान से संजीवनी देखते रहिए और आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कौन सी चीज़ें कम खाएं और किन चीज़ों से बिल्कुल आपको परहेज करना है, बचना है। डॉक्टर चौहान, अब मैं उन चीज़ों की बात करूंगी जिससे बिल्कुल बचना है, या फिर
कौन सी चीजें हैं जो बहुत कम खानी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ऐसा भी कुछ डाइट है जिसको हम ज्यादा खा सकते हैं इसमें ताकि ये कंट्रोल रहे? देखिए, जो चीजें खा सकते हैं वो तो मैंने बताई अभी, लेकिन जो नहीं खाना है, एक तो जैसा मैंने कहा कि बहुत हाई प्रोटीन वाली डाइट नहीं खानी, स्पेशली किसी भी प्रकार का नॉन वेज नहीं खाना है आपको, फिश वगैरह, चिकन, ये आजकल लोग कुछ लोग खाते हैं, कलेजी खा रहे हैं, कुछ भेजा खा रहे हैं, कई तरह की वो जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ जैसे भी मैंने एसिड शब्द का प्रयोग किया तो इतना तो समझ आता है कि कोई एसिडिक फूड, चाय कॉफ़ी लोग पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं बहुत ज़्यादा, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, मिठाइयाँ जो होती हैं, या फिर जो है आप अगर देखें तो ऐसी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, केमिकल्स डले हुए हैं, आजकल बहुत सारा भोजन ऐसा है जो पैकेट में आता है, डब्बे में आता है, उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डला होता है ऑलरेडी। और तीखी चीज़ें, मिर्ची मसाले, अचार, खटाई, चटनी पटनी, इनको थोड़ा सा जो है आप 3-4 महीना बंद करके, और जो चीज़ें मैंने बताई अभी आपको पहले, उनका सेवन करें तो आप देखिए चमत्कार आपका जो है, बिल्कुल आपको आराम भी मिलेगा और आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा।